गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.3 करेंगे जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ इसका। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, सबसे पहले देखो ये फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब लेंथ ये 9 है, ये लिख दिया 9, और ब्रेथ 2 है, ये 2 लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 2 18 सेंटीमीटर स्क्वेयर, या फिर 18 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ये यूनिट है इसकी एरिया निकालने की, सेंटीमीटर स्क्वेयर या स्क्वेयर सेंटीमीटर, इनमें से एक लिखा जा सकता है कोई सा भी। अब अगला सम देखो, सेकंड सम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर दी हुई है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया इनको, 32.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, या फिर 32.5 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ये यूनिट हम ये लिखो या ये, सेंटीमीटर स्क्वेयर या स्क्वेयर सेंटीमीटर, एक लिखना है कोई सा भी। ऐसे ही देखो इसका थर्ड पार्ट भी ऐसा ही यही है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2.5 मीटर, जिसको 5/2 लिख सकते हैं हम। ब्रेथ है 1.5 मीटर, इसको 3/2 मीटर लिखा जा सकता है। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 15/4 मीटर स्क्वेयर, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/3/4 मीटर स्क्वेयर या स्क्वेयर मीटर, कोई एक लिख दो इसमें से। अब देखो, अब इसके बाद आता है एरिया ऑफ स्क्वेयर निकालना। अब ये सेकेंड सम है, स्क्वेयर की साइड दी हुई है, क्योंकि साइड ही होती है उसमें और सारी साइड इक्वल होती हैं। साइड ऑफ स्क्वेयर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। यानी एरिया कैसे निकालेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5, 25 स्क्वेयर सेंटीमीटर आ गया ये। उसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट, देखो ये साइड ऑफ स्क्वेयर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब 20 मल्टीप्लाई 20 स्क्वेयर सेंटीमीटर, ये 400 स्क्वेयर सेंटीमीटर आ गया। अब साइड ऑफ स्क्वेयर ये थर्ड सम है, ये 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड, तो मतलब 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, 6.25 स्क्वेयर सेंटीमीटर आ गया ये इसमें। ऐसे ही ये फिफ्थ सम देखो, साइड ऑफ स्क्वेयर 1.5 मीटर दिया हुआ है, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3/2 मीटर लिखेंगे, और एरिया कैसे निकालेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 2 2 4 9/4 स्क्वेयर मीटर। तो ये आ गया आपका 2/1/4 स्क्वेयर मीटर, ये एरिया ऑफ द स्क्वेयर आ गया आपका ये। थैंक यू।